व्यवस्था इनकी एक नेशनल पार्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि जो एडवांस सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पे हमको डॉग की जरूरत पड़ती है। वैसे तो वहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत साधन है, मगर डॉग में एक स्पेशलिटी होती है, उसमें सूंघने की क्षमता होती है, सुनने की ज्यादा क्षमता होती है, तो उन क्षमताओं का लाभ उठाया जाता है, इसलिए अपन को डॉग की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेनिंग आप इनको क्या क्या सूंघने की या डिटेक्शन करने की क्षमताओं से इनको तैयार कर रहे हैं? इनको क्या है, जो एनिमल स्किन है, हाथी दांत है, टाइगर स्किन है, जितनी भी स्किन वगैरह है सभी को सुंघाया जाता है, उनसे बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, उससे इनको ट्रेंड किया जा रहा है। तो कूनो नेशनल पार्क में डिप्लॉय किया जाएगा, तो एक डॉग कैसे एक चीते की सुरक्षा करेगा? सर, किसी की सुरक्षा करने के लिए बहुत सी पार्ट की जरूरत होती है। डॉग एक पूर्णतः पार्ट नहीं है, डॉग एक 5% पार्ट, मान लो 95% सुरक्षा अलग स्थिति से होगी, 5% की भी जरूरत होगी, जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है उसकी आवश्यकता जरूरी है। डॉग की एक जो 5% की उपस्थिति है वो वहाँ अपनी दर्ज कराएगा। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स जो 2004 में गवर्नमेंट द्वारा सेंक्शन किया गया था, जिसमें दो ही ट्रेनिंग सेंटर हैं, एक आईटीबीपी में है, एक बीएसएम में है। यहाँ पर हम डॉग्स को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें मुख्यतः एक्सप्लोजिव डॉग्स, ट्रैकिंग डॉग और नारकोटिक्स डॉग। और वर्ष 2008 से हम WWF इंडिया और ट्रैफिक इंडिया के सहयोग से हम लोग वाइल्ड लाइफ डॉग्स को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और इन कुत्तों को सुपर स्निफर्स के नाम से नाम दिया गया है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन भी होते हैं ये वाइल्ड लाइफ सुरक्षा के लिए, बट एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर डॉग्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि डॉग्स में स्मेल पावर और लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और इनको हम सबसे पहले बेसिक ऑबिडेंस कोर्स करा रहे हैं, और अभी पिछले 2 सप्ताह से इनका ट्रेनिंग शुरू हुआ है। इनके ऊपर फोकस किया जाएगा कि टाइगर की स्किन के ऊपर और जो टाइगर की बोन्स के ऊपर इनको विशेष तौर पे हम लोग ध्यान देंगे, ताकि कोई भी सेंट इनको टाइगर्स के बारे में और जो कैट फैमिली की है वो उसको जल्दी से जल्दी ये पकड़ सके। चीता जो अपने आप में खुद एक खूंखार जानवर है और जो सबसे तेज भागता है, उसकी सुरक्षा डॉग से कैसे होगी, डॉग से क्या रोल रहेगा? चीता अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम है। बेसिकली हम जो है पोचिंग, एंटी पोचिंग जो है ना ढूंढ रहे हैं, कि अगर चीता की पोचिंग कर लेते हैं तो वो सुरक्षित ना जा पाए, वो कामयाब ना हो पाए, जिससे कि वो पकड़े जा सकें और लोगों को इसका डेटरेंस हो कि इनके पास अच्छे सुरक्षा इंतजाम है, तो इस चीज का प्रयास ना किया जाए।